नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। यूट्यूब करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस लाइन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। TMSP ने पुलिस लाइन राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया है। तस्वीरें पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। यहां दुल्हन की तरह पुलिस लाइन को सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रतिवर्ष इस तरीके का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को पुलिस विभाग की ओर से बड़ी ही सिद्धत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो दिन पहले से ही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर यहां तैयारियों का दौर शुरू हो गया था। तस्वीरें कृष्ण जन्माष्टमी देर रात की है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण मंदिर पर जिला अधिकारी अविनाश रथ सिंह, प्रशासन और पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित अपने परिवार के साथ पहुँचे, जिसके बाद यहाँ भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ और जैसे ही 12 बजे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिरों में घंटों की आवाज और भगवान श्री कृष्ण के नारे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित अपने पूरे परिवार के साथ यहां भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पुलिस अधीक्षक की ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्म होते ही पूजा अर्चना की गई और एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी गई।